न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार साथियों, बॉट पिटारा की टीम आज मुलाकात कर रही है युवा पीढ़ी के चहेते मध्य प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग जी से। विश्वास जी, आपकी मिलनसारिता हमें याद दिलाती है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की। उनसे आपकी पहली मुलाकात कब हुई? देखिए, ये तो मुझे एकदम स्मरण नहीं आता कि मेरी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से कब मुलाकात हुई, क्योंकि बचपन से ही मुझे उनका सानिध्य मिला है और वो जब युवा मोर्चे में काम करते थे उस समय से ही मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ। स्पेसिफिक ईयर या डेट तो मुझे याद नहीं है, पर मैं बहुत ही जब मेरी उम्र बहुत कम थी जब से ही मैं शिवराज सिंह चौहान जी को जानता हूँ और उनके साथ रहा हूँ। छात्र राजनीति से शुरुआत कर अपने बहुआयामी व्यक्तित्व से आश्चर्यचकित करने वाले शिवराज जी एक किसान परिवार से निकलकर आज मध्य प्रदेश के तीसरे कार्यकाल में अजय मुख्यमंत्री के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, यदि हम शिवराज सिंह चौहान जी के व्यक्तित्व की बात करें तो उन्होंने हर स्तर पर इस समाज में राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते अलग छवि बनाई है। जब वो युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे तो उन्होंने बहुत संघर्ष के साथ मध्य प्रदेश के युवाओं को इकट्ठा करने का काम किया। क्रांति मशाल यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक बड़ा जन आंदोलन, युवा आंदोलन खड़ा किया। उसके बाद विधायक के रूप में उन्होंने अलग छवि छोड़ी। सांसद के रूप में वो बहुत सफल और जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय सांसद के रूप में उभरे और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्र के जिस पद पर भी रहे उन्होंने एक अलग छाप छोड़ी। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। देश भर के युवाओं को इकट्ठा कर आगरा में एक बड़ा अधिवेशन किया। 1.5 से 2 लाख युवा वहाँ पर इकट्ठे हुए। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सचिव, महासचिव, संसदीय बोर्ड के सचिव के रूप में और उसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत अलग छवि के साथ काम किया। और मुख्यमंत्री के रूप में यदि मैं देखूं तो उन्होंने जिस प्रकार से इस देश की राजनीति में विकास और कल्याण की राजनीति का समावेश करके जिन आयामों को छुआ है, शायद देश के इतिहास में किसी और मुख्यमंत्री ने वो कुछ नहीं किया। आम जनता को कल्याण करके समाज की मुख्य धारा से जुड़ना, उसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलू को लगातार उन्नयन की ओर लेके जाना, ये शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल की मैं बड़ी खूबी मानता हूँ। सर, जैसे कि आज 5 मार्च है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का जन्म दिवस, आपका उनके लिए कोई बधाई संदेश? मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करूंगा और शिवराज जी को शुभकामनाएं दूंगा कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और इसी तरह नेतृत्व करते रहें। जिस सोच के साथ, जिस भाव के साथ वो लगातार इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी भी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में इससे बड़ी और खूबी कोई कुछ नहीं हो सकती। हर एक वर्ग का कल्याण करना, हर एक वर्ग के लिए सोचना, प्रदेश का विकास करना, पारदर्शी प्रशासन, सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए काम करना, युवा, मजदूर, किसान, महिला, पिछड़ा, दलित, हर वर्ग के कल्याण के बारे में नई नई योजनाएं लेके आना, ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश और देश की राजनीति को नए आयाम को की ओर अग्रेषित करता है। इसलिए मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि शिवराज जी दीर्घायु हों, शिवराज जी स्वस्थ रहें और इसी तरह नेतृत्व करते रहें। आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए पॉट पिटा टीम आपको धन्यवाद देती है।